सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर न्यूज चैनल मिस्टर सैम फैक्ट। हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी नहीं है, अप्रेंटिस है। तो अप्रेंटिस जो निकली है RRC ईस्ट सेंटर रेलवे से वैकेंसी यहां पे निकली है ट्रेड अप्रेंटिस की। तो चलिए कंप्लीट डिटेल में वीडियो में देने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक का देखिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको क्लियर करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं तो 28 फरवरी 2022 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो आपका होने वाला है वो 7 मार्च 2022 है। पेमेंट का भी लास्ट डेट जो है बात करते हैं तो वो भी 7 मार्च 2022 ही है। ओके, फी की बात करते हैं तो फी आप सभी को मालूम ही होगा कि जनरल OBC कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट से जो है 100 रुपया चार्ज किया जाता है। बाकी जितने भी SC ST फीमेल और हैंडीकैप कैटेगरी है उनसे 1 रुपया भी चार्जेस नहीं किया जाता है। अप्रेंटिस लोकेशन की बात करते हैं तो अप्रेंटिस लोकेशन ECR रेलवे रीजन होगा, जिसमें कौन कौन सा डिवीजन आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी एज की बात करते हैं तो एज जो है आपका 7 मार्च 2022 से काउंट किया जा रहा है। मिनिमम 15 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 24 ईयर्स होना चाहिए। वहीं यदि आप OBC हो तो 3 ईयर्स का छूट मिल जाएगा और SC और ST हो तो आपको 5 ईयर्स का छूट यहाँ मिल जाएगा। और साथ ही यदि आप हैंडीकैप हो तो हैंडीकैप में आपको 10 ईयर्स का छूट यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। तो नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 756 सीट अवेलेबल है आप सभी के लिए, जिसमें कि आपका टोटल 4 डिवीज़न यहाँ पे दे रखा है। पहला है कैरेज रिपेयर वर्कशॉप मानचेश्वर भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर से 190 पोस्ट है। खुर्दा रोड डिवीज़न से 237 सीट है। वाल्टेयर डिवीज़न से 263 सीट है और संबलपुर डिवीज़न से टोटल 66 सीट आप सभी के लिए अवेलेबल है। ट्रेनिंग और पीरियड 1 साल का होगा, जिसमें कि इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर, वायरमैन, रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक एंड पेंटर जितने भी हैं, सीट मेटल वर्कर, ये सब कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसको। ओके, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन आप सभी को मालूम है, अप्रेंटिस के लिए सिंपली 10th मांगा होता है। और साथ ही यदि आप ITI किए हो विथ रिलेटिव ट्रेड से 2 साल का और 1 साल का जो है, तो आप सिंपली फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा तो फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, एज प्रूफ के लिए 10th का मार्कशीट लगेगा, ITI का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, यदि आप हैंडीकैप है तो हैंडीकैप का मार्कशीट लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा। ये सब लगाकर आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है। तो फॉर्म फिलअप ऑलरेडी स्टार्ट है, आप लोग वेबसाइट पे जाओ और वहाँ से साइड फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाय बाय एंड थैंक यू।